तरीके से मुस्तैद सुरक्षा व्यवस्था, और कुछ देर के बाद में सपा और भाजपा का नामांकन प्रक्रिया होगी। आज काफी दिग्गज माने जा रहे हैं दोनों लोग, और आप सुरक्षा व्यवस्था की बात होती है एकदम फिर देखिए, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से मुस्तैद है। आदरणीय झंडा जी को बार बार रक्षा करना होता था, तो ये सोचने पर शुरू हो जाना पड़ता था कि तंत्री से कैसे मुकाबला किया जाए, क्योंकि आप लोगों के बहुमत, आप लोगों के विचार करने के बाद तंत्री चाहता है अपना विभाव आप लोगों के दिलों के ऊपर बना लिया था। उस बार से विरोधी दल लेकिन चुनाव जो है वो तंत्री दिखाता और जय प्रसाद का नहीं है। हिंदी देगा ना मुस्लिम देगा, मस्जिद देगा ना ईसाई देगा, ये आज लोगों के कहने का होगा। कभी भी जय प्रसाद ने कभी लोग प्रसाद नहीं किया, चाहे वो जंगली हो या मस्जिद हो। पार्टी के नेताओं से दूर नहीं जाना पाएगा, अंदर जो है वो नहीं जाना पाएगा। ये है जहारात। तनवीर चेयरमैन की माँ और उनकी बहन और उनके बहनों इस साथ में नामांकन के लिए जा रहे हैं। ये जा रहे हैं कलेक्ट्रेट में नामांकन के लिए। नामांकन करने के बाद पूर्व मंत्री राम मूर्ति सिंह वर्मा ने रूबरू होकर क्या कहा सुनते हैं। नगर पालिका प्रगति कुर्सी पर उनको पुनः कराने का काम करेंगे, और इसके अलावा जो भी कार्य इनके स्तर का होगा उस कार्य को बखूबी बगैर भेदभाव के कराने का काम करेंगे। कराने का काम किया है, अब वही जितने के बाद में समाजवादी पार्टी के चेयरमैन होंगे, लगातार पूरा विकास कराएंगे और सबको उनका नारा है, उनका नारा उन्होंने दिया सबका साथ सबका विकास, उसका उल्टा समझो कि जिसका साथ उसका ही विकास, उसका विनाश, जो उनके साथ उसके विनाश। क्या सुनाओ? निश्चित रूप से बहुत भारी मतों से कि तनवीर की माँ बेगम साहिबा जीतेगी। आप नोट कर ले, कम से कम 80,000, कम से कम 80,000 और जितने बढ़ जाए, और जीत कम से कम 25,000 जितनी बढ़ जाए। और मुझे होता देश और दुनिया के लिए आप हमारी वेबसाइट को भी लॉगिन कर सकते हैं, www.worldmediatimes.com। लॉगिन करें और खबर देखें। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब